हमारे खास मेहमान आइए, मैं पहले नाथ खां को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। हजरात बाकी आप बेहतर हैं, सब समझते हैं। अदब अदब के लबे हक से काम लेता हूँ, अदब अदब ये वायलिन खोलो के लबे हक से काम लेता हूँ, और खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेता हूँ। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेता हूँ क्योंकि बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है ज़बान पर जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता है। और मोहम्मद मुस्तफा के नाम में तासीर ऐसी है, जहाँ कोई ना काम आए वहाँ ये काम आता है, जहाँ कोई ना काम आए वहाँ ये काम आता है। आपकी समातों के हवाले पहला नाथा मैं मोहम्मद साहिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दुनिया का मत सुना मुझे कैसा नया ओ गले कदी
दुनिया में जितने शहर थे सब हो गए कदीम, दुनिया में जितने शहर थे सब हो गए कदीम, के मक्का नया नया हलीमा कौन सा बचा है, जब भी सुनेंगे लुत्फ मिलेगा नया नया सांस में। और आपने हम लोगों की बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बातों के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी, और कयामत में अपने हुयावर सबको मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी, कयामत में अपने हुयावर सबको मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। और चार से सात हुआ पढ़िए दाऊद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फजाए नूर ये रोशन शबिया अच्छी लगी, ये फजाए नूर ये रोशन शबिया अच्छी लगी, और सुरमय अक्सीर की लाखों तो काम गुजरी मगर, सुरमय अक्सीर की लाखों तो काम गुजरी मगर, पर उनके दर की खाक आको उनके दर की खाक आको को बड़ी अच्छी लगी, उनके दर की खाक आंखों को बड़ी अच्छी लगी, कम से कम वो मात जाते हैं मेरी मदद को, कदर को जगाना चाहता हूँ, कदर को जगाना चाहता हूँ, हे मुकद्दर को मदीने में भी जाना चाहता हूँ, मदीने में भी जाना चाहता हूँ, मुकद्दर को जगाना।
करना चाहता हो। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे भाई। कि कहा सिद्दीक ने जो कुछ है मेरा, जो कुछ है मेरा, कहा सिद्दीक ने जो कुछ है मेरा, कहा से दीग ने जो कुछ है मेरा, कहा से दीग ने जो कुछ है मेरा, शहीदी पर लुटाना चाहता हूँ, शहीदी पर लुटाना चाहता हूँ। फातिमा हो के मेरी बेटी कनीज़े फातिमा हो, मेरी बेटी कनीज़े फातिमा हो, मेरी बेटी सबकी तमन्नाएं शेर के अंदर है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि मेरे आका तेरे रोजे की जाली, हे मेरे आका पहुंचा सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, तेरी मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैक या जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, मकाना वमा यकून, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, और तेरी आयता
क्योंकि जानते हैं साहबा हुजूर जानते हैं। असलमा जी जबलपुरी साहब हमारे मेहमान खास जनाब सरदार इरशाद अंसारी साहब ने यहाँ तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। क्या कहना है डॉक्टर अब्दुल रऊफ जिया साहब यहाँ तशरीफ फरमाए तो मैं बिला ताकीद चाहूँगा कि बस आप इस्तकबाल तमाम शोरा हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमाए सबका इस्तकबाल फरमा दें। हमारे मेहमान जबलपुरी साहब हाफिज हसन करबलाई साहब परवेज आलम परवाज साहब जनाब अरमान जबलपुरी साहब शादाब वारसी साहब और जनाब अजहर जबलपुरी साहब भी तशरीफ़ और जिनका भी आप इस्तकबाल करना चाहें जनाब हाफिज फजल अक्कानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं उनका भी इस्तकबाल फरमाए और अभी इसमें हाफिज खुर्शीद आलम साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए। आज आज मशायरे का आगाज होने से पहले जो हमारी रवायत है शमा फरोजी की और उसमें जनाब हमारे हरदल अजीज जनाब फजल अक्कानी साहब खादिम दरगाह अब्दुल रशीद साहब सलीम खान साहब बादशाह भाई यानी कि मैं जिन्हें गुड्डा भाई के नाम से जानता हूँ क्यों ना मनावाया रसूल हम सब चाहते हैं कि ये मैं गुजारिश करता हूँ जनाब 29 साहब से आइए उनके इस्तकबाल के लिए नारा लगा ले नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तमाम हजरात बेशक फरमाने नहीं और न पूछ इन खिलका पोशों से इरादत हो तो देख इनको क्या बात है। पूछ न पूछ इन खिलका पोशों से इरादत हो तो देख इनको यदि पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस दिलों में। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून सुभान मुकद्दस बरगुजीदा हस्तियों का जिक्र फरमाया है। वाह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के कुर्स में हाजिर हुए सुभान अल्लाह। तो यहाँ हम दुआ करने नहीं बल्कि दुआ लेने के लिए आते हैं और हाजिर होकर के अपने मुकद्दर को चमकाते हैं कि हमारा शेर शायरी के लायक हो जाए। क्या कहने क्या बोलते इस वजह से ताकि तकरीर करने का सलीका आ जाए तरीका आ जाए बैठने के आदाब आ जाए चीज का तरीका सलीका मिलता है। यहाँ तक के कही बल्कि हमें सारे अदब यहीं से मिलते हैं क्योंकि उलमाए किराम तो पढ़ाते हैं लेकिन औलिया किराम ये पिला देते हैं। वहाँ मेहनत करा
वली के लिए शर्त यह है कि वो आलिम हो। तो पता ये चला कि ये लोग जब किसी को वली बनाना चाहते हैं तो पहले उसे ही बता कर देते हैं, फिर वली बनाते हैं। खबरदार, होशियार, साधा, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न गम। ये जो आयत करीमा है ये वली की तारीफ इसमें नहीं बयान की गई, बल्कि वली की सिफत को बयान किया गया, फजाइल को, महासिन को बयान किया गया। ये वली की तारीफ नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं, ये तारीफ नहीं। पहले किसी शय की तारीफ होती है, फिर उसके बाद उसके कमालात, फजाइल, महासिन, औसाफ बयान किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तबारक तआला ने तरतीब बदल दी। कुरान की तरतीब बेमाना नहीं होती बल्कि बामाना होती है। तो अब हम ये पूछेंगे कि रब तबारक तआला ने यहाँ तरतीब क्यों बदली? उसूल यह है, तरीका यह है, ज़ाब्ता यह है कि पहले किसी शय की तारीफ की जाती है, फिर तारीफ, महासिन, फ़ज़ाइल, कमालात को बयान किया जाता है। लेकिन रब तबारक तआला ने तरतीब बदल दी। बदलने का मतलब यह है कि रब तबारक तआला पहले मतनबे कर रहा है, आगाह कर रहा है, ये वो है इन्हें कोई खौफ नहीं, ये वो है इन्हें कोई गम नहीं। यानी जब वो पहचानेंगे नहीं और सुनेंगे ये वो लोग है, खौफ नहीं है, ये वो लोग है जिन्हें कोई गम नहीं, तब लोगों को शौक होगा उनकी तरफ, चाहत होगी, रब्बत होगी, लम्बत होगी। इस वजह से वो उनकी बारगाह की तरफ दौड़ेंगे, बढ़ेंगे। ये कौन सी जमात है कि पूरी आलम इंसानियत खौफ हिरास से भरी हुई है, हर कोई खौफ ज़दा है, लेकिन ये कौन सी जमात है, ये कौन से लोग हैं जिनसे खौफ को उठा लिया गया है, गम को उठा लिया गया है? तो इस वजह से लोगों के अंदर चाहत, रहबत, तलब पैदा होगी कि चले उनकी तरफ। ये बात है कदम तो चले जिन्हें कोई खौफ नहीं, जिन्हें कोई गम नहीं। फिर आगे अल्लाह ताला अब वली की तारीफ कर रहा, अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। वली वो है जो ईमान लाए, तक्वा अख्तियार किए। पता ये चला कि वली के लिए ईमान भी शर्त है, मुत्तकी होना भी शर्त है। कि वली वही होगा जिसमें तक्वा पाया जाए और ईमान वाला भी हो। तो पता ये चला जो अल्लाह वाले होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, क्योंकि ताला इशारा फरमाता है इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तकून। औलिया तो परहेजगार ही होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अल्लाह वाले ये जो होते हैं ये बड़े परहेजगार होते हैं, बड़े नेकुकार होते हैं। बल्कि जो इनकी बारगाह में पहुंच जाए, अगर वो नेकुकार ना हो, बदकार हो, सियाकार हो, गुनहगार हो, खताकार हो, इनकी निगाहें नाश पढ़ती है तो वो भी नेकुकार हो जाते हैं।